ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, मिथुन दास सुपरस्टार है लेकिन गरीबों के सुपरस्टार, ऐसे कुछ कुछ बोला जाता था आर्टिकल में। मैं एक जवाब देना चाहता हूं आपके जवाब से पहले। देखिए, जब गोर्बाचोव आते हैं इंडिया और उनको बताते हैं कि यहाँ पर हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, वो बोलते हैं नहीं मैं मिथुन दास को जानता हूँ, अमिताभ को नहीं जानता। तो ये एक जवाब हाजिर है वो लोग के लिए जो बोलते हैं सुपरस्टार गरीबों का। ये सुपरस्टार सोवियत तक पहुंच गए, ये सुपरस्टार यूरोप तक पहुंच गए, ये सुपरस्टार मिडिल ईस्ट तक अभी तक है। तो ये सुपरस्टार बड़े लोगों के भी है। मैं ऐसा सुपरस्टार देखता हूँ, इंसान सिर्फ पैसों से गरीब नहीं होता, अपने अपने आदत से गरीब होता है, अपने हरकतों से गरीब होता है। लेकिन मैं उन गरीबों का सुपरस्टार हूँ जिनके पास सब कुछ है, शायद पैसा ना हो, दिल है सबसे बड़ा बड़ी चीज, दिल है। क्या बात है। मतलब मैं उन गरीबों का सुपरस्टार रहा हूँ और रहना भी चाहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में मैं उन गरीबों को ढूंढता हूँ जो अल्लाह ताला के लोग हैं, भगवान के लोग, मैं उन्हीं को ढूंढता रहता हूँ और मैं उन्हीं का सुपरस्टार हूँ, उससे बड़ा नहीं है। क्या बात। नसीहत नहीं दूंगा क्योंकि मैं वो एक्टर हूँ, कभी गॉसिप नहीं किया हूँ, आपने देखा होगा कभी किसी के बाद बुरी बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैं एक खड़ी जवाब दूंगा, लेकिन आप समझ जाना कि मैं मेरे मुंह से कभी बड़ी बात की, मैं वो एक्टर हूँ 95 में एक ही साल में भगवान का अवार्ड लिया बेस्ट एक्टर और शैतान का भी अवार्ड लिया बेस्ट एक्टर, गल्ला के लिए बेस्ट विलन फिल्म फेयर स्क्रीन प्ले और रामाकृष्ण परमहंस नेशनल अवार्ड लिया। तो मैं वही एक्टर हूँ जो भगवान और शैतान का एक ही साल में दोनों बेस्ट एक्टर है। तो मैं मुंह से बोलूंगा नहीं, आप लोग तो